हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लाइक आदि महोत्सव के बारे में। एंड गाइस, ये ओपन हुआ है जस्ट लाइक अंबागान में, जो गुंजा भवन है उसी के पास। एंड गाइस, जो लाइक हैंडलूम क्राफ्ट मेला था ना, जिस उसके बाजू पे ही ओपन हुआ है। तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे आइए, घूमिए एंड मजे कीजिए। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर एंड देखते हैं कि क्या क्या अंदर अवेलेबल है एंड कौन से आइटम्स हैं, क्योंकि मैं तो काफ़ी दिनों बाद आ रही हूँ। सो या गाइस, चलिए हम चलते हैं अंदर। लुक एट दिस, ये उसका एंट्रेंस लिखा हुआ है आदि महोत्सव 2020। और लाइक वो वाला है हैंडलूम मेला, ये जो सांबागन का चौक। एंड लुक एट दिस एम्बियंस। तो अभी चलिए चलते हैं अंदर एंड देखते हैं अंदर क्या क्या अवेलेबल है, कौन से प्राइस रेंज में है। एंड गाइस, लुक एट दिस, लाइक ये एक मेरे फ्रेंड मिल गए मेरे को, ये भी एक यूट्यूबर है। क्या नाम हुआ आपका? रंजन सिंह, डेली ब्लॉगर। हाँ, तो गाइस ये एक यूट्यूबर है, ये भी रौकला के हैं। तो प्लीज इनको भी सपोर्ट दिस। लाइक आप जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे, वेस्ट बंगाल से कुछ आइटम्स आया हुआ है, तो आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ एंड प्राइस वगैरह पूछ लेते हैं। सो हाय मैम, कहाँ से आए आप लोग? शांति निकेतन से, वेस्ट बंगाल। ओके, तो मैम ये सब क्या मटेरियल है एंड प्राइस वगैरह क्या है, थोड़ा बता देंगे? सर के ऊपर कांथा स्टिच किया गया है। अच्छा, और हैंडमेड है, ये लैंप्स है ना, बेड लाइट साइड का जो है, बेड साइड भी रख सकते हो, घर पे कॉर्नर पे ड्राइंग रूम में भी रख सकते हो, और हैंगिंग भी कर सकते हो, बहुत तरह का है, बड़ा वाला भी है। अच्छा, प्राइस वगैरह क्या है मैम? 500 स्टार्टिंग है। 500 से स्टार्टिंग है ना, थैंक यू। गाइस लुक एट दिस, जो सेकंड स्टॉल में ये आई गेस हनी है ना सर, ये सब ये सुंदरबन जंगल हनी। अच्छा, सुंदरबन का जंगल का हनी। अच्छा, पूरा रॉ हनी होंगे तो फिर एकदम 100% वाइल्ड हनी। अच्छा अच्छा, क्या प्राइस है ये सब का सर? मैम 1 kg 340, 1/2 kg 190 एंड 250 g 115। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। तो गाइस देन फिर चलते हैं नेक्स्ट, इधर देखते हैं, ये स्टॉल खाली है, पता नहीं ये लोग गायब है। फिर इधर अगर आएंगे तो यहाँ पे लाइक चावल दाल और पापड़ वगैरह है, तो ये अपना काम का चीज़ नहीं, इसको स्किप आउट मारो। ये भी लाइक रॉ हल्दी वगैरह सब, लाइक जो कुकिंग के मटेरियल पाउडर वगैरह रहता है ना, ये सब है, ये देख लीजिए। देन फिर इधर अगर आएंगे तो ये भी पता नहीं। एंड यहाँ पे देख लीजिएगा, इस हैंडमेड सारा बहुत सारा वर्क है, ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो ये पूछ लेते इसका क्या प्राइस है। अंकल यार प्राइस कितने? 1265। ओके, ये सब हैंडमेड ना भाई? सब हैंडमेड। को मटेरियल कोई ले जा, मु भी जान पर नहीं हम सब खाई जो बोतल पर पड़े। अच्छा अच्छा, हैंडक्राफ्ट सब बनाए छ ना। ओके ओके, अच्छा अच्छा। तो गाइस ये देख लीजिए, जो हम लोग जो थम्स अप पी के लाइक ढक्कन फेंक देते हैं ना, उसी से ये क्राफ्ट बनाया गया है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाइक यूनिक डिजाइन है। एंड यहाँ पे आप लोगों को होम डेकोरेशन के लिए ये सब मिल जाएगा। ये देख लीजिए, ये पूरा हैंडक्राफ्ट मटेरियल्स है। एंड फिर अब अगर इधर आएंगे तो यहाँ पे मैम ये सब क्या है? मैट। कहाँ से आए आप लोग ऐसे? वेस्ट बंगाल से। थैंक यू। क्या प्राइस हुआ ये सब? ये सब का अलग अलग प्राइस है। अच्छा, स्टार्टिंग रेंज क्या है? स्टार्टिंग रेंज 100 में। अच्छा, ये सब पर्स भी है ना? हाँ, ये पर्स। लुक एट दिस, ये सब समर के लिए वेयर, मतलब जैसे हैंड में पकड़ने के लिए काफ़ी कूल सा है। ये सब लाइक मेकअप बॉक्स भी आप रख सकते हैं, लाइक ना मेकअप के पाउच के हिसाब से। एंड गाइस यहाँ पे अगेन वही सेम है, लाइक देख लीजिए, ये सब गले में ही वेयर करने के लिए, ये सब काफ़ी ट्रेंडी डिज़ाइन है। तो मैम ये सब का क्या रेंज हो गया? 200 से शुरू है। हैंडमेड है ना, पेंडेंट है ना, पेंडेंट भी हैंडमेड है, पूरा स्टोन के ऊपर है। अच्छा, इसमें कोई ग्लास बीड्स, कोई मोती नहीं है। अच्छा, प्लास्टिक भी नहीं है, सब स्टोन। ये रिंग सब क्या प्राइस है? 100 का है। 100 का ना, ईच 100 ना। और ये सब तो इयररिंग है ना, ब्रेसलेट भी होगा ना मैम? ब्रेसलेट, एक ही ब्रेसलेट नहीं, ये कड़ा टाइप का है ना। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। ये भी रिंग है ना, ये गोल्ड वाला है, ये थोड़ा सिल्वर में, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी सब है ना। एंड गाइस अगेन ये वाला तो लाइक ये सब होम डेकोरेशन के लिए है। लाइक ऑलमोस्ट यहाँ पे जो स्टॉल है, लाइक एंट्री आप जैसे ही करेंगे इक्वली सारे प्रोडक्ट सेम ही है, कुछ अलग नहीं दिख रहा है। एंड यहाँ पे जूट वैक्स वगैरह है, और फिर देखते हैं आगे। एंड गाइस ये लाइक बहुत कम ही लगा है इसमें, ऐसा कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, बहुत कम लगा है, बट ठीक है। मैं थोड़ा लाइक ऊपर से आप लोगों को रिव्यू करके दिखा देती हूँ। ये वाला शॉप अगेन वहाँ पे था, तो गाइस जो सब था मैं रिपीट नहीं कर रही, क्योंकि फिर आप लोगों को भी बोर होगा सेम शॉप देख के। और यहाँ पे कुछ झाड़ू वगैरह मिल रहा है, बरी, यस, खड़ सांग रहा है, बॉडी खाई वाला चेक। तो गाइस लुक एट दिस, ये सब लाइक पूरा देसी बरी वगैरह है। मैम ये गोटा को डालिएगा, कोड़ा थोड़ा डाली ना, आई गोटा बॉडी अपन कौट आस। अच्छा लोकल हम रोकलर जीर पानी। अच्छा अच्छा, देन गाइस ओके, ये
ये लाइक मेरे को एक काम का चीज़ लगा। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे मार्क्स भी है, लाइक ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैम ये क्या प्राइस है? 100 रुपीज़ ना। ये मतलब क्या मटेरियल ये सब जो है? सिल्क में है। अच्छा, और गैस ये सब क्या है मैम? ज्वेलरी बॉक्स है। चूड़ी उड़ी रख सकते हैं, ये काफ़ी प्यारा लग रहा है गैस। चूड़ी उड़ी रख सकते हैं। एंड यहाँ पे देख लीजिए पर्स भी है, ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। बट यार मुझे अभी शॉपिंग नहीं करना, मम्मी घर से भगा देगी। एंड गैस लुक एट दिस, यहाँ पे लाइक जूट का बैग्स वगैरह मिल रहा है। गैस लुक एट दिस, यहाँ पे एक स्टेज बनाया गया है, लाइक 8:30 से 9:30 तक के फंक्शन वगैरह होता है। एंड गैस ये रेज आप लोगों को दिख रहा है एकदम इंडियन फ्लैग की तरह। लुक एट दिस, बहुत ही प्रिटी सा एम्बियंस ये लोग बनाए हुए हैं। बट अभी ऐसा अभी टाइम नहीं है कि मैं बैठ के एंजॉय करूँ, मुझे फटाफट आप लोगों के लिए ब्लॉग कंप्लीट करके निकलना है। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लाइक कुछ अच्छा सा दिख रहा है, फ्लावर पॉट वगैरह मिल रहा है, तो वहाँ पे जाके देखते हैं। लुक एट दिस, काफ़ी प्यारा लग रहा है ये सब। एंड ये आई गेस हैंडमेड है और व्हाट पूछते हैं। तो मैम ये सब हैंडमेड है क्या ये प्रोडक्ट? अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? आसाम सर। और ये सब का प्राइस क्या आ जाएगा फ्लावर सब का? 30 से लेके 1500 तक। अच्छा 150 तक है, तो काफ़ी अफोर्डेबल है, आप लोग यहाँ पे डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। लुक एट दिस, ये सारा बेम्बो का मटेरियल है। एंड ये सब क्लिप देखिए सब मिल रहा है। पहले मैं मम्मी के लिए सब परचेस करती थी। क्या क्या प्राइस है ये सब? 50 रुपये का है। ओके, तो गाइस लुक एट दिस, ये सब हैंडमेड सारे यहाँ पे ना। जनरली मोमोज़ आप अगर वाव मोमोज़ आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को मोमोज़ खाने के लिए मिल जाएगा। एंड गाइस ये एक स्टॉल है, लाइक यहाँ पे भी कपड़े वगैरह मिल रहा। तो मैम आपका ये कौन सा मटेरियल है? टसर और कॉटन का। क्या प्राइस आ जाएगा ये सब? स्टार्टिंग आपका 800 से 10,000। आप लोग क्या कैलकाटा से आए हैं क्या? आपका एक्सेंट से लगा। थैंक यू मैम। तो गाइस फिर नेक्स्ट इस तरफ आएंगे तो लाइक यहाँ पे तो भैया यहाँ पे कौन सा मटेरियल है? ये मैम जयपुरी है, गोटापत्ती का काम है आज का। अच्छा, कहाँ से आए हुए आप लोग? राजस्थान। ये इसको कौन सा प्रिंट बोलते हैं? ये कोटा टोरिया ना। बांधनी सिल्क है। अच्छा, ये जो दुपट्टा सबका क्या प्राइस है? 400 के। अच्छा अच्छा, थैंक यू। लहंगा है ना, ये कौन सा प्राइस है? 1650 का। अच्छा, और ये बच्चों का कौन सा बोल रहे थे? ये बच्चों का है। ये बच्चों का लहंगा है ना, ये कौन सा प्राइस हो गया? 750 का। एंड गाइस लुक एट दिस, यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे बैग्स वगैरह मिल रहे हैं। और लाइक मुझे ये देख लीजिए, ये बैग वगैरह ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। भैया क्या प्राइस हो गया बैग सबका? ये 200 का। तो गाइस ये जो ग्रीन बैग आप देख रहे हो ये 200 में है। देन फिर यहाँ पे भी ये फोटो फ्रेमिंग वगैरह, आपका नाम वाम अगर लिखवाना तो साथ लिखवाते हैं यहाँ पे आई गेस। और फिर ये देख लीजिए मोस्टली सेम है स्टॉल, लाइक आगे पीछे सब कुछ इक्वली है। तो मैं सेम स्टॉल आप लोगों को नहीं दिखा रही, बस जूम करके दिखाते थे ओवरऑल ऊपर से कि यहाँ पे क्या क्या दिस। ये एक स्टॉल है। तो अंकल ये कौन सा मटेरियल है आपका? झारखंड का खादी सिल्क। ओके, क्या प्राइस हो गया ये सर? ये 1250 से स्टार्टिंग है। अच्छा, साड़ी आपको 1000 से लेकर के 6000 तक है। अच्छा अच्छा, थैंक यू अंकल। लुक एट दिस, लाइक ये काफी यूनिक सा स्टॉल मुझे लग रहा है। तो देखते हैं ये सब क्या है। अंकल भैया ये सब क्या है? पेंटिंग है। अच्छा, पेंटिंग है ना। तो इसमें का मतलब इसका क्या क्वालिटी क्या है एक्चुअली, थोड़ा बताएंगे? मतलब क्यों लाइक क्यों फेमस है ये सब? ये सारे जो पेंटिंग देख रहे हैं सब आदिवासी परंपरा के ही हैं। अच्छा, और ये सारे हैंडमेड है, और जो भी आदिवासी का जो भी कल्चर है वो कल्चर को पूरा डिफाइन किया गया है ना। थैंक यू। सबका क्या प्राइस हो गया? इसको बाइंडिंग करके फिर आप रख सकते हैं। तो गाइस लुक एट दिस, यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे पेंटिंग्स वगैरह मिल रहा है जो कि आदिवासी कल्चर के हैं। तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ से परचेस कर सकते हैं। प्राइस क्या हो गया सर आप ये सब का? प्राइस तो 50 तक शुरू करके 3000 तक है। मतलब स्टार्टिंग 50 से है ना एवरेज। तो गाइस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे एक बार आकर चेकआउट कर लीजिए। मैं अभी लाइक यहाँ से एक जो सर है मैं उनसे मिली, एंड मुझे एक्चुअली जनरली नहीं पता है कि आदि महोत्सव होता क्या है, क्योंकि वो तो मुझे पता है कि हम लोग राउकला में लाइक आदिवासी लोग रहते हैं, यहाँ का कल्चर है। बट स्पेशली मुझे जानना, तो यहाँ पे लाइक एक सर थे तो मैं उनसे मिली। तो चलिए आप लोगों के भी बताती हूँ यहाँ का जो महोत्सव होता है उसका लाइक परंपरा क्या है, क्यों ये मेला लगता है। तो चलिए पूछते हैं उनसे। गुड इवनिंग, अपन का नाम गणा? माइसल मीदन स्वाई, आई एम द कमर्शियल एग्जीक्यूटिव ऑफ ट्राइफेड। ओके, ये आदि महोत्सव हमारा जो परंपरा जो मेला होता है ये हमारा डायरेक्ट आदिवासी
प्रोडक्ट को डेवलप और मार्केटिंग के लिए ये मेला लगता है। अच्छा, मतलब लाइक वो लोग जो हैंडक्राफ्ट करते हैं तो बाकी लोगों के तक पहुंच नहीं पा रहा, बेसिकली मार्केट में नहीं आ पा रहा, तो आप लोग ये मेला के थ्रू वो सेलिंग करा रहे हो, दैट कि लोग जाने कि इतना क्रिएटिव चीजें होता है बोल के उनके पास। आदिवासी जो होता है ना वो बॉर्न फॉर क्रिएट होता है, उनको कोई सिखाता नहीं है, वो अपने बच्चों ऐसे पीढ़ी वो चलाता है, लेकिन उनको मार्केटिंग के लिए कोई सुविधा नहीं। एग्जैक्टली, इसलिए हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होता है, हमारा जो ट्राइफेड के तरह से वो जुड़े रहते हैं, और उनको हम डायरेक्ट कस्टमर टू अपने पास कैसे कांटेक्ट होता है। अब लाइक आप लोग एज ए थर्ड पार्टी काम करते हो, राइट? या हमारा उनको प्रोत्साहन देने के लिए और उनका मतलब प्रोडक्ट को खुद जानता, मेरा मैं ये बनाया इसका कितना रेट होता, इसीलिए ये मेला लगता है। अच्छा, दैट कि लोग जान पाए और उनका परचेस हो पाए, और सबसे पहली बात है कि जिनके अंदर जो क्रिएटिवनेस है वो सब बाकी लोगों को पता चलने जाए। कौन पता यहाँ से कोई लाइक टैलेंटेड इंडिया में चले जाए, टीवी में चले जाए, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ क्या होता, और ये आगे क्या करते थे, क्या मिडिल पर्सन को देते थे सामान, तो वो उनको कम पैसा में देकर वो ज्यादा में सेल करते थे। ये क्या वो लोग डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, डायरेक्ट सेल, डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्ट होते थे, तो उनको भी पता होता हमारा प्रोडक्ट का कितना प्राइस है, कितना इम्प्रूवमेंट है और कितना मतलब बेनिफिट है उनका प्रोडक्ट। अब यहाँ जाओ, जो भी सामान देखो सब नेचुरल है, हैंडमेड है और अफोर्डेबल प्राइस में भी है, और यहाँ भी बायो ऑर्गेनिक सामान मिलेगा जो अपने जंगल से वो कलेक्ट करके रॉ को प्रोसेस करके बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ऑल ओवर इंडिया में ये हमारा मेला लगता है, खाली नहीं उड़ीसा में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में लगता है। अभी हर जगह जाएगा, धीरे धीरे शिफ्ट होगा ना? ऑल इंडिया लगता है, ऑलरेडी लगता है। अच्छा, ऑलरेडी लगता है, ओके ओके। दिल्ली हेड ऑफिस है, वहाँ आदि महोत्सव लगता है हमारा दिल्ली हाट में। अच्छा अच्छा, ओके। डिवाइड होता है हर स्टेट। अच्छा अच्छा, हर स्टेट के आदमी आते हैं आदिवासी। हाँ देखिए, मैं कुछ लोग कलकत्ता, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, हर जगह से है। गर्मी की वजह से थोड़ा हिमाचल और थोड़ा कोविड भी था ना सर, इसीलिए थोड़ा। हाँ, ऑल ओवर इंडिया का हर स्टेट के आते हैं। ठीक है, लुक एट दिस, बहुत ही प्यारा एंड बहुत ही बड़ा सा वो एक विंचैम रखा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो भैया इसका क्या प्राइस हो गया, जो बड़ा वाला विंचैम है? 4000 का है ना? तो कैसे ये सब पूरा प्योर वुडन का है ना? नहीं, बांस का। अच्छा, बांस का है ना? तो कैसे ये सब देखिए बैम्बो का बनाया गया है, बहुत ही प्यारा प्यारा विंचैम है, एंड ये सब लाइट वाला है, लैम्प है, और ये देख लीजिए ये सब भी है काफी प्यारा प्यारा। ये प्लांट होल्डर है ना, प्लांट, और वो सब भी गाइस देख लीजिए, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। ये सब भी विंचैम है, वो सब क्या प्राइस हो गया भैया? 1000 रुपए। और ये वाला कौन क्या है? स्टैंड, और ये प्लांट, प्लांट होल्डर ना, और ये सब पेन स्टैंड है ना। लुक एट दिस, यहाँ पे लाइक आप गर्ल्स लोगों के लिए ज्वेलरी वगैरह मिल रहा है, ये कुछ यूनिक सा मेटेरियल है। तो भैया ये कौन सा मेटेरियल है? ब्रासो है ना? तो क्या प्राइस आ जाएगा ये सब? 450। तो गाइस लुक एट दिस, ये सब ब्रास का मेटेरियल है, एंड काफी वजन भी लग रहा है, काफी भारी है, एंड लुक एट दिस। अपन नहीं जानते इटा भल लगे अपन को, इटा नहीं जानते। गाइस लुक एट दिस, ये काफी प्यारा लग रहा है भाई। इसका क्या प्राइस हुआ? 100 रुपए। तो गाइस ये सब ओनली 100 रुपीज में आप लोगों को मिल जाएगा, बहुत ही प्यारे प्यारे इयररिंग्स है। गाइस लुक एट दिस, ये वाला स्टॉल तेलंगाना से आया है, ये सब डिफ्यूजर है, मैं देख के मुझे पता चल गया, क्योंकि मुझे स्पेशली एस्थेटिक रहना काफी पसंद है, एंड ये सब डिफ्यूजर लैम्प वगैरह है, उस शिट गर्म था। एंड भैया वो सब इतर रखे हैं क्या आप? अच्छा, ये सब क्या प्राइस में? कपड़े में 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ नहीं जी। तो गाइस ये देख लीजिए इतर, जो कि मुझे अब यूज़ करना काफ़ी पसंद है, पर्सनली मैं बहुत लेती हूँ, और ये सब ईच 100 रुपीज़ है। एंड यहाँ पे काफ़ी सारा कलेक्शन है, जिनको पसंद है तो डेफिनेटली यहाँ पे आके परचेस कर लीजिएगा। गाइस लुक एट दिस, यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, लाइक आप लोग यहाँ पे आके सेल्फी वगैरह क्लिक कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे स्टैचू है, सब लोग फोटोज वगैरह भी क्लिक कर रहे हैं। लुक एट दिस, ये काफी एक प्यारा सा प्लेसेस है। गाइस ये था डिटेल अबाउट आदि महोत्सव का, लाइक डिटेल रिव्यू मैं आप लोगों को दिखा दी, लाइक यहाँ पे इतना ज्यादा कुछ नहीं है जितना था, मैं आप लोगों को डिटेल में दिखा दी। और गाइस बहुत सारे शॉप ना रिपीटेडली सेम है, इसलिए मैं आप लोगों को रिपीटेडली नहीं दिखाई। आई होप आप लोगों को वीडियो जो पसंद आई होगी, एंड वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, दैट आप लोग घर में बैठ के आप लोगों को सब कुछ दिख गया होगा कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।